कंप्लीट खर्चा मतलब 30-35 हजार में सब कुछ आ जाते। इसमें अपना जाल भी आ गया जी हाथ भी आ गया जी और बीज भी आ गया जी बस। और ये बांस तो है ना, जैसे एक बार ले लिया जी तो शुरू में ज्यादा खर्च हो भी 3-4 साल तक बांस तो ये चले काम में आ जाते हैं। देखो ये तो भाव पे निर्भर है। देखो अगर इसमें अगर ये भाव चलता रहे ना अभी, जी तो इसमें दो इस 2,000 वर्ग में तो कम से कम 2 लाख के हो जाएंगे। अच्छा, और बात किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक किसान भाई को आप मेरे साथ में देख सकते हैं, जिन्होंने कि अभी के टाइम पे करीब 2,000 वर्ग मीटर में लौकी की खेती कर रखी है। तो किसान भाइयों, लौकी की एक ऐसी खेती है जो कि कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट हम इससे ले सकते हैं। आप देख पाएंगे, सबसे पहले आप देखिए किसान भाई के जो पौधों की ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन लगा हुआ है वो देखिए। और आज सुबह ही इन्होंने हार्वेस्टिंग की है, उसके बाद ही आप देख पाएंगे प्रोडक्शन काफी अच्छा लगा हुआ है। तो लौकी की खेती के बारे में किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि लौकी की खेती हम किस टाइम पे करें, जिससे कि मार्केट में दाम भी अच्छा मिले, अपने पौधों पर प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिले और आगे चल करके हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लौकी की खेती बारे में पूरी जानकारी लेंगे। किसान भाई के पास में काफी सारा अनुभव है, पूरा अनुभव शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। राम प्रसाद शर्मा जी, ग्राम रामसर जी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान जी। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, आपने कितने क्षेत्र में लगा रखी है लौकी की खेती? 2,000 वर्ग मीटर। 2,000 वर्ग मीटर में। और आप कितने साल से कर रहे हैं सर सब्जी की खेती? मैं 3-4 साल से कर रहे हैं। तो लौकी की ही करते हो या इसके अलावा और भी कोई नहीं, सब्जी? टमाटर भी करते हैं, भिंडी भी करते हैं, मिर्ची भी करते हैं, सब करते हैं जी। तो खास कर जैसे मान लो किसान भाइयों से हम बोले कि लौकी की ऐसी खेती है जो कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट देती है, तो क्या आपके हिसाब से ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, अगर भाव सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अच्छी पैदावार होती है, जैसे भाव पे निर्भर है सब। अच्छा, जैसे मान लो किसान भाई लौकी की खेती करना चाहे तो शुरुआत में अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें? खेत की तैयारी तो किस तरह से, शुरू में बाद दो उसमें जैसे गोबर का खाद डाल दो, थोड़ा थोड़ा खोद दो, 1-1.5 फुट खड्डे खोद दो उसमें गोबर का खाद डाल दो। अच्छा, और जैसे मार्केट का जैसे राखोड़ा खाद हुआ, DAP हुआ, ये डाल दो जी, और फिर उसकी खुदाई कर दो जी, और फिर लगा दो बस। यही चीज समझना चाहेंगे कि जैसे मान लो जुताई कर दी किसान भाई ने, तो बीज जैसे गड्ढा खोदने के बाद बीज लगाना पड़ता है या बीज वैसे समतल में लगाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, खड्डे खड्डे में बस, 2-3 बीज एक खड्डे में लगा दो बस। अच्छा, गड्ढा करके खाद पहले डालना पड़ता है कि बाद में? पहले 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 खाद डाल के बीज रोपण करना पड़ता है, फिर बाद में जैसे 1 महीने बाद फिर दोबारा खाद डाल के खुदाई करो। अच्छा, वही गोबर की खाद? वही गोबर की, थोड़ा मार्केट का भी लिया हो, जैसे ये अपने राखोड़ा है, DAP है जी, ये भी मिला दो उसमें जी। तो अगर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगी, एक गड्ढे में कितना गोबर का खाद डालना चाहिए किसान भाई को, और जो आप ये सिंगल सुपर फास्फेट DAP ये बता रहे हैं, ये किस मात्रा में डालना चाहिए? देखो खाद तो एक गड्ढे में करीब करीब 10 किलो खाद तो मान लो एक गड्ढे में गोबर का, गोबर का जी। और वो तो जैसे अब 2,000 वर्ग फीट है तो उसमें एक एक कट्टा राखोड़ा का दे दो और एक कट्टा DAP का दे दो बस, ये काफी है। एक महीने तक, फिर 1 महीने बाद दे दो एक बार उसी मात्रा में, उसी मात्रा में दोबारा गोबर भी इतना ही फिर डाल दो एक बार। अच्छा, बस फिर काफी है, उसके बाद भी कोई खाद नहीं डालनी पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, जैसे कोई बीमारी लग जाए तो छिड़काव कर दो। बाकी अगर मान लो मैं ये बीच में जानकारी लेना चाहूँ कि इसमें बीमारियां सर कौन कौन सी लगने की संभावना रहती है, लगती है? देखो बीमारियां तो इसमें लट भी लगती है और ये टेढ़े हो जाते हैं जी, उसकी दवाई आती है मार्केट में दे दो, लट लगने की संभावना रहती है। अच्छा, तो वायरस वगैरह नहीं लगता? अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो? नहीं नहीं, ज्यादा बारिश होती है तो फिर लगता है, फिर लगता है। वैसे कम बारिश में फिर ये माल बनना ही कम हो जाता है थोड़ा। इनको क्या है कि थोड़ा साफ मौसम भी चाहिए ना, जैसे बरसात लगातार बरसने लग गई ना जी, तो फिर माल बनना बंद हो जाता है, मतलब धूप भी चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल, वो तो चाहिए जी। तो राम प्रसाद जी, जैसे कि मान लो अपने बीज रोपण कर दिया, दोबारा उसमें खाद भी डाल दिया, तो बीज कितने दिन में तो अंकुरित हो जाता है?
और उसके बाद में जैसे मान लो जाल पे चढ़ना चाहें, चार पांच दिन में हो जाता है तैयार। और जैसे ही फिर वो थोड़ा बढ़े और बस थोड़ा एक जैसे अपने को रस्सी ले लो ऊपर जाल के बांधो और फिर उसको लगा कि अपने आप चढ़ते रहेंगे फिर। तो जी तो पानी की कितनी रिक्वायर्ड होती है इसमें? पानी तो जैसे 10-15 दिन में दे दो, एक दिन बस। अच्छा, पानी नहीं लगता इसमें, कम लगता है। और वैसे भी बारिश के मौसम में तो शायद जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, बारिश से पूर्ति हो जाती है इसकी, जरूरत ही नहीं बारिश। किसान भाइयों को ये भी तो फायदा हो गया ना, जैसे मान लो किसी का पानी नहीं है या कम पानी है तो वो भी लगा सकता है। ये कम पानी में हो जाता है क्योंकि इसमें तो ये देखो ना, बस ये बीच की खाली पड़ी है जी, बस इसी में पानी जाएगा बस। ये जो आपने नाली बना रखी है, बस ये जो बीच की खाली है बस, उधर पानी और में तो पूरी में जाएगा, तो इसमें तो और में 100% पानी चाहिए तो इसमें 25% चाहिए। तो बेड वेड की कोई जरूरत नहीं है? इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे कर दो बस, आपको एक नाली बना देनी है बस, उसमें पानी चला दो बस, दिक्कत ही नहीं है जी। तो राम प्रसाद जी, अब आगे का प्रोसेस समझना चाहेंगे कि अपना जैसे बीज रोपण से पौधा जो अपने जैसे जाल में फैला हुआ आपका, तो इसमें कितने दिन लग जाते हैं? ये तो अगर बरसात सही हो तो ये तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन में कंप्लीट भर जाता है, पूरा जाल भर जाता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और प्रोडक्शन भी मिलने लग जाता है? बिल्कुल प्रोडक्शन, जो जो जाल बढ़ेगा अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जैसे बीज रोपण किया उसके कितने दिन बाद में अपनी तुड़ाई चालू हो जाती है? एक महीने बाद। और लौकी का अगर मार्केट की बात करें तो अभी के टाइम पे मार्केट में क्या दाम चल रहा है? 30-35 रुपए किलो। तो आपने कितनी बार हार्वेस्टिंग कर ली और शुरुआत में दाम क्या मिला था और अभी के टाइम दाम क्या मिल रहा है? बस अभी तो शुरुआत ही हुई ना आने की, तो अभी यही 30-35 ही चल रहा है अभी तो भाव। अच्छा, कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हो? अभी तो 7-8 बार कर दी। 7-8 बार यही दाम मिल रहा है? हाँ, अभी तो यही मिल रहा है, 30-35 जी। तो सर अब मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि मान लो किसान भाई 2000 वर्ग मीटर में लौकी की खेती करता है तो करीब करीब अपना खर्चा कितना हो जाएगा और कौन कौन सी चीज में कितना खर्चा लग जाएगा? पूरा कंप्लीट खर्चा मतलब 30-35 हजार में सब कुछ आ जाते हैं। इसमें अपना जाल भी आ गया जी, खाद भी आ गया जी, और बीज भी आ गया जी बस। और ये बांस तो है ना, जैसे एक बार ले लिया जी तो शुरू में ज्यादा खर्च हो जाए, 3-4 साल तक बांस तो ये चले काम में आ जाते हैं। अच्छा, 3-4 साल तक चल जाते हैं? ये चल जाते हैं 3-4 जी। अरे शायद वायर भी चल जाता होगा? नहीं, वायर तो इसमें क्या है, गांठे पड़ जाती हैं तो फिर खींचते ना तो टूट जाता है, फिर ये दोबारा काम नहीं देता, रस्सी भी दोबारा काम नहीं, नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो कचरा है, बांस ही काम आएगा बांस, और ये तो सब कचरा है, फिर कोई मतलब ही नहीं जी। तो ये तो बात होगी राम प्रसाद जी खर्चे की, कि करीब करीब अपना 2000 वर्ग मीटर में 30-35 हजार का खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो अगर 2000 वर्ग मीटर में किसान भाई खेती करता, जैसे आपने ही खर रखी है और 3-4 साल से आप कर रहे हो, तो करीब करीब 2000 वर्ग मीटर में हम खर्चा निकाल के कितना शुद्ध मुनाफा हो जाएगा किसान भाई को? देखो ये तो भाव पे निर्भर है, देखो अगर इसमें अगर ये भाव चलता रहे ना अभी जी, तो इसमें इस 2000 वर्ग मीटर तो कम से कम 2 लाख के हो जाएंगे। अच्छा, और भाव नहीं रहा तो फिर कोई बात ही नहीं। एंड में अगर प्रोडक्शन की टाइम 10 रुपए प्रति किलो का भी भाव रह जाए ना जी, तो काफी मजदूरी अच्छी मिल जाती है किसान को, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए किलो भी मिल जाएगी तो जी जी कोई परेशानी नहीं है जी। तो राम प्रसाद जी, अब वीडियो के अंत में एक बार किसान भाइयों को अपनी तरफ से सजेस्ट जरूर करें लौकी की खेती के बारे में। हाँ, लौकी की खेती करो, इसमें पानी भी कम लगता है, खाद बीज भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है, मेहनत भी इतनी नहीं है, प्रोडक्शन भी अच्छा देता है, अगर इसका भाव रहे तो सबसे बेस्ट खेती है जी। तो ये एक पॉइंट और छूट गया था इस वीडियो में, वो और जानना चाहूंगा कि करीब करीब लौकी की खेती, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट बार इसकी हार्वेस्टिंग की तो उसके बाद में करीब कितने महीने तक अपने को प्रोडक्शन देता रहेगा? ये देता है 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने लगातार बराबर देता है। और हार्वेस्टिंग कितने दिन छोड़ करके कितने दिन में करनी पड़ती है? क्या है कि इसमें करीब करीब रोज ही तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी फिर ज्यादा बड़ी मोटी हो जाती है ना। अच्छा, तो इन मार्केट में इनके दाम लगते हैं, तो करीब डेली थोड़ा होती है? हाँ, करीब करीब डेली समझो। अच्छा, तो ये इसको नकदी फसल भी बोल सकते हैं कि जैसे किसान भाई के पास में रोज पैसा आता है? हाँ, बिल्कुल आएगा वो तो, रोज माल जाएगा। तो सर इसे मेहनत कितनी है, तोड़ने में आदमी की कितनी रिक्वायर्ड रहती है? नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं है, फटाफट होता है काम। अच्छा, तो मैं जैसे मान लो अपनी 2000 वर्ग मीटर में लगा रखी है तो इसमें तुड़ाई कितने आदमी कर लेते हैं? 2 आदमी तोड़ लेते हैं और क्या। अच्छा, बस तोड़ के 2 आदमी थैलों में पैक कर दो, थैलियों में बस, फिर बेच दो, मार्केट में जाने दो, फटाफटी में मेहनत नहीं है इतनी ज्यादा। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।